आंवले की इस रेसिपी को बनाने के लिए हमको कद्दूकस की जो मोटी वाली साइड होती है वहाँ से आंवले को कद्दूकस करना होगा। बारीक वाली साइड से यदि हम करते हैं तो ये जो है आंवले में से जूस रिलीज करेगा, जो कि हमको ऐसा वाला आंवला नहीं चाहिए। हमको मोटे मोटे लच्छे वाला सूखा हुआ आंवला चाहिए, इसलिए हम कद्दूकस की जो मोटी वाली साइड है वहाँ से आंवले को ग्रेट करेंगे। तो देखिए बर्तन में बिल्कुल भी जूस नहीं है, सूखा है बर्तन और मोटे मोटे लच्छे हमको मिले हैं। बस ऐसा ही आंवला है, हमने पूरे आंवले को इसी तरह से ग्रेट किया है, सूखा सूखा और बड़े बड़े लच्छे वाला। लेकिन इसको कद्दूकस करने से पहले हमने आंवले को अच्छे से धो के पोंछ के धूप में सुखाया था आधे घंटे, और आंवले हमारे बिल्कुल सड़े गले और दागी नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपकी रेसिपी जो है ख़राब हो जाएगी। बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम बाद में ऐड करेंगे, सबसे पहले हम इसमें मिला देते हैं हनी। हनी मिलाने से होगा ये कि इसका जो हनी, एक तो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, आंवले को जल्दी ख़राब नहीं होने देगा, और दूसरा इसका टेस्ट को भी इन्हेंस करेगा, क्योंकि आंवले का कसैलापन बच्चे लोग खाना पसंद नहीं करते। यदि हम उसमें हनी ऐड करेंगे तो बच्चे भी खाएंगे, बड़े भी, सब लोग खाएंगे। आंवला और जो हनी है, शहद है, एक साथ खाने के बहुत सारे फायदे आंवला होते और हैं। शहद दोनों एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, इसलिए इन दोनों को एक साथ यदि हम खाते हैं तो हमको कई गुना अधिक फायदा पहुँचाते हैं। आंवला और शहद एक साथ खाने से वजन भी कंट्रोल में रहता है, कई लोग आंवला और शहद एक साथ खाते हैं वजन घटाने के लिए। और इसके अलावा पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको जो है दूर करता है, और आंवला और शहद एक साथ खाने से इम्यूनिटी भी बढ़ती है। हमारी बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है दोनों का कॉम्बिनेशन, आँखों के लिए हमारे काफ़ी अच्छा होता है दोनों का कॉम्बिनेशन, ऑल ओवर हेल्थ के लिए हमारे काफ़ी अच्छा रहता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। जो भी हम च्यवनप्राश हम खाते हैं तो उसमें शहद और आंवला एक साथ मिलाया जाता है, क्योंकि फ़ायदेमंद रहता है हमारे लिए। तो इसके कितने फ़ायदे हैं आप सर्च कर सकते हैं। एक तो क्यों ना हम इसकी एक ऐसी रेसिपी बनाएं जो कि आप अपने पूरे परिवार को खिला सकें। वैसे तो आंवला खाना लो बच्चे तो पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका टेस्ट जो है कसैला होता है। तो आप एक स्वादिष्ट रेसिपी बनाएं जिससे कि बच्चे बड़े सब खाएं। जब बच्चे स्नैक्स मांग मांग के खाते हैं तो इसको भी मांग मांग के खाएंगे स्नैक्स की तरह। तो इस तरह की मैं आप लोग के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आंवले को पकाना नहीं है इसमें। मैंने आंवले को देखिए शहद मिलाने के बाद मैंने अच्छे से जाली का ढक्कन उसमें लगा के पूरे दिन धूप में रखा था, जिससे कि आंवले से जो है जूस रिलीज हुआ है। देखिए आंवले ने पानी छोड़ा है, तो अब हम इसको फेंकेंगे नहीं पानी को, अच्छे से आंवले में इस पानी को मिला देंगे और फिर से इसमें ढक्कन लगाएंगे जाली वाला, और इसको एक दिन फिर से धूप में रखेंगे। धूप में रखेंगे, या तो आप जाली का ढक्कन लगाएं या फिर आप कपड़े से इसके मुंह को बांध दें और धूप में रखें। देखिए धूप में रखने के बाद नीचे का जो पानी है वो सूख चुका है, आंवले में अब एक्स्ट्रा पानी नहीं है, बस आंवला हल्का सा गीला है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ऊपर नीचे अच्छे से उलट पुलट कर देंगे, जिससे कि पूरा आंवला एक जैसा हो जाए, कहीं पर सूखा कहीं पर गीला ना रहे, तो एक जैसा हो जाए। इस तरह का हम बनाएं। आप चाहें तो इसको ऐसे ही भी एक एयर टाइट कंटेनर भर के रख दें, आपको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, फ्रिज के बाहर भी ये ख़राब नहीं होगा, आप ऐसे ही खा भी खा सकते हो उसको, 15 दिन तक ये ख़राब नहीं होगा। मैं पूरे साल भर के लिए इसको किस तरह से रखते हैं रखूँगी जिससे कि ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि अभी आंवले मिल रहे हैं पूरे साल भर तो मिलते नहीं हैं। तो वो रेसिपी आप लोग को बता रही हूँ। मैंने किशमिश इसमें ऐड कर दी है, किशमिश काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं पेट के लिए भी और बहुत सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि मैं एक एक चीज़ यहाँ पर गिनाने वाली नहीं हूँ। आप सर्च कर लीजिए हनी में डूबी हुई किशमिश कई लोग खाते हैं, शहद में डूबा के किशमिश कई लोग खाते हैं, काफ़ी फ़ायदा करते हैं ये। और ये इलायची मैं इसमें डाल दे रही हूँ, इलायची भी अगर हम शहद में डूबो के खाते हैं तो ये हमको कई गुना अधिक फ़ायदा पहुँचाती है, इसलिए मैं बिना कूटे ही साबुत पूरी इलायची इसमें डाल दे रही हूँ। तो किशमिश और इलायची दोनों को हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद मिक्स करेंगे, जैसे जैसे जो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे जो इलायची की खुशबू है पूरे आंवले में, अच्छे से आंवले ने एब्जॉर्ब कर ली है इलायची की खुशबू, और किशमिश भी थोड़े से फूले फूले हो जाएंगे थोड़े दिनों के बाद। आप इसको बस इसका मिक्सचर आप एक ग्लास के जार में डाल दें, साफ़ सुथरा जार होना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए। जब ये जार जो है आधा फिल हो जाए इसको, क्योंकि नीचे को दबाते भी रहें एयर पॉकेट नहीं बनने चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। किस तरह से मैं एक एक बात आपको ध्यान से, आप मेरी बात सुने ध्यान से, मैं बताते जा रही हूँ आपको। तो नीचे प्रेस करते जाएं, दबाते जाएं और भरते जाएं, और जब ये आधा फिल हो जाए तो इसमें हनी और डाल दें, क्योंकि इस समय सर्दी का सीज़न है तो शहद जो है वो थोड़ा सा जम सा गया है, लेकिन हम इसको धूप में रखेंगे तो फिर से ये मेल्ट हो जाएगा, फिर से ये लिक्विडी हो जाएगा थोड़ा सा। तो अभी आप ऐसे ही डाल दें, और मैंने थोड़ा गर्म पानी में सीसी को रखा था शहद के, तो ये फिर से पतला हो गया है। तो अब हम लगभग आधा इंच इसमें शहद डालेंगे और इसको ऐसे ही रहने देंगे, और ऊपर से फिर से हम अपना जो ये आंवला का मिक्सचर है इसको फिल करेंगे इसमें, और डालते जाएंगे और दबाते भी जाएंगे, जिससे कि नीचे एयर पॉकेट ना बन पाए। और वैसे भी थोड़े बहुत एयर पॉकेट बन भी जाएंगे तो आंवला जो है जैसे जैसे मेल्ट होगा धूप में रख के वो भर जाएंगे, फिल हो जाएंगे, तो ख़राब नहीं होगा।
अच्छे से दबा दबा के हम इसमें रखेंगे तो ज़्यादा हमारा आंवला इसमें आ जाएगा शीशी में। कांच की हो तो ज़्यादा अच्छी है, साफ़ सुथरी है। किस तरह से स्टोर करना है इसको ताकि पूरे साल भर ये चले, ये भी मैं आपको बताऊँगी। फ्रिज में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, बस इस तरह से दबा दबा के इसको रखते जाएँ। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। जब ये पूरा फूल भर जाए उसके बाद हम इसमें और शहद डाल देंगे थोड़ा सा, लगभग 1/4 इंच के आसपास और हम शहद डालेंगे। शहद डालने से होगा कि नीचे तक जाएगा और जो एयर पॉकेट बने होंगे वो भी ठीक हो जाएंगे। बस इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे हम नीचे को शहद डालने के बाद, और इसको रख देंगे धूप में। 2-3 दिन हम इसको धूप में रखेंगे। 3 दिन के बाद हम इसको अपने काउंटर टॉप में रख दें। बस जब भी है सुबह शाम दोनों टाइम 1-1 चम्मच सबको दें, परिवार में, बच्चों को, बड़ों को। आप अभी भी इसको खा सकते हो, लेकिन असली टेस्ट इसका 3 दिन के बाद ही आएगा। इसको पहले पूरा टाइट करके थोड़ा सा ढीला कर दें ताकि हम धूप में रखेंगे तो इसमें जो गैस रिलीज होगी वो बाहर निकल जाए आसानी से। तो इस तरह से आप आंवले को स्टोर कर सकते हो पूरे साल। रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, रेसिपी को शेयर करिएगा औरों के साथ भी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।